मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में, जहाँ मैं बता दूँ आपको कि मुहर्रम जिसे यौमे अशूरा भी कहा जाता है, लेकिन वहीं अब मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये नए साल की शुरुआत होती है, जहाँ पे अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो दो समुदाय के बीच में ये इस्लाम धर्म बढ़ चुका है, एक सिया और एक सुन्नी। जी हाँ, मैं सिया समुदाय के सेक्रेटरी से जुड़ूंगी जिनका नाम मौलाना तहजीबुल है, मैं उनसे बात करूंगी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, धन्यवाद। ये मुहर्रम क्या है और मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? देखिए, चाहे वो इंग्लिश महीना हो, चाहे हिंदी महीना हो, चाहे उर्दू महीना हो, चाहे अरबी महीना हो, जितने भी महीने हैं वो 12 ही मनाए जाते हैं। और ये मुहर्रम का आगाज़ जो है, ये हिजरी साल का आगाज़ जो है, इस साल 1446 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। चांद दिखने के बाद मुहर्रम शुरू हो चुका है और मुहर्रम में ख़ास तौर से विशेषकर इमाम हुसैन को पूरी दुनिया याद करती है। यहाँ पे इमाम हुसैन को याद करने में किसी ज़ात, बिरादरी, धर्म आड़े नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। अगर इंसानियत है तो इमाम हुसैन की याद को मनाएगा, इसलिए कि मज़हब कोई भी बुरा नहीं होता, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, हर धर्म अच्छाई का संदेश देता है और अच्छों को पसंद करता है। इस्लाम मज़हब भी वो है जो बुरों को पसंद कभी नहीं करता, बल्कि बुराई के मुकाबले में सत्य और सच्चाई को बाकी रखना जो है ये इबादत समझता है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इसी इबादत को सुबह क़यामत तक के लिए निजात दिला दिया। चूँकि एक तरफ आतंकवादी, दहशतगर्द, करप्ट यानी बेदीन, जिसके यहाँ का शराब, जिना, सारी चीज़ें यजीद के पास थी, तो यजीद चाहता था कि जो अच्छा धर्म है, जो ईश्वर का धर्म है, जिसे अल्लाह का मज़हब कहा जाता है, इलाही दीन कहा जाता है, उसको मिटाना चाहता था। आप जानते हैं किसी भी धर्म में शराब सब पीते हैं, मगर शराब को सही तरीके से कोई भी अच्छा इंसान न शराब को पसंद करता है न शराबी को पसंद करता है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं, मुसलमानों की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ मैं, हर समुदाय के ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि उस टेबल पर बैठना पसंद नहीं करते जहाँ पे शराब रखी हो, ग्लास भी इस्तेमाल नहीं होता है, उस जगह पर जाना भी मंजूर नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग शराब का बोतल या गिलास है तो उसे भी पसंद नहीं करते। यजीद शराब में डूबा रहता था, यजीद शराब के नशे में जो है मुसल्ले इबादत पे आ जाता था, लोगों को नमाज़ पढ़ाने लगता था। इमाम हुसैन ने कहा कि ये अत्याचार हम इस्लाम के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कुर्बानी दे देंगे मगर हम उसकी बयत नहीं कर सकते, हम उसकी बात नहीं मान सकते। चूँकि यजीद जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था, उसके पास लश्कर बहुत था, सिपाही बहुत था, दौलत बहुत थी, पैसा बहुत था, दुनिया में 3/3 हुकूमत जो है उसके हिस्से में थी, और 70,000 का लश्कर लेकर के इस्लाम को मिटाने के लिए करबला पहुँचा था। इधर इमाम हुसैन के साथ जो छोटा सा कुनबा था, करबला पहुँचते पहुँचते इमाम हुसैन के 72 साथी हुए हैं, मगर जब मदीने से निकले हैं तो 72 नहीं थे बल्कि और कम थे। मगर यहाँ आने के बाद उन्होंने, यजीद ने क्या कहा कि वलीद को भेजा, वलीद चूँकि गवर्नर था, वलीद बिन अकबा जिसे कहा जाता है, वो मदीने का गवर्नर था, उसने ये हुक्म दिया इमाम हुसैन को कि यजीद के अगर जुल्म से बचना चाहते हैं और तो आप आइए, यजीद की बात मान लीजिए यानी बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद ने बैत का मुतालबा क्या कहा, आप मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, सर कलम कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तेरे यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि कोई भी शराबी की बैत कोई शरीफ इंसान नहीं करेगा, बेनमाजी की बैत नमाजी नहीं कर सकता, झूठे की बैत सच्चा नहीं कर सकता। तो इमाम हुसैन ने सिर्फ धर्म नहीं बचाया है, मज़हब नहीं बचाया है, सिर्फ इस्लाम नहीं बचाया है, बल्कि इंसानियत को मैदान करबला में बचाया है। और आज आप देखते हैं कि आज PRD का जो इश्तहार रोज़े आशूर आएगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें यही लिखा जाता है कि अहिंसा पे एक सत्य की जीत हुई है। अहिंसा पे सत्य की जीत है, तो करबला जीत है सच्चों की, करबला जीत है हक परस्तों की, करबला जीत है हर ईमानदार इंसान की, करबला जीत है इंसानियत की मर्यादा को बचाने वाले की। इमाम हुसैन ने 72 साथियों के साथ 3 दिन की भूख और प्यास में जंगें लड़ी हैं, उसमें आपने देखा इमाम हुसैन के 18 बरस के बेटे अली अकबर,
छः महीने के हज़रत अली असगर, उनके भांजे जनाब ज़ैनब के दो बच्चे औनो मोहम्मद, जिनका सिन जो है 12 साल 13 साल 14 साल, इस तरीके का काफ़िला 72 का काफ़िला था जिसमें 60 साल के बूढ़े लोग भी हैं। उसमें हज़रत इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास जो 32 साल के हैं उनके साथ भी जुल्म हुआ। आपने देखा कि इन्हीं हथों पे 70,000 के लश्कर ने बैकवक्त हमला किया है और फरजंदे जहरा ने इस्लाम को बचाने की खातिर भरा बाग कुर्बान कर दिया और ये बता दिया कि यजीद आज करबला में हार गया, हुसैन जीत गए। अगर आज हुसैन न जीते होते तो आप इंटरव्यू लेने आई हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूं नेहा जी, और अल्लाह सच्चाई को पहुंचाने वालों को आबाद रखने का ज़िम्मा भी लेता है, और आपका ये चैनल फले फूले बढ़े, हमारी आपके शुभकामनाएं इसलिए हैं कि इमाम हुसैन की जो जीत है, जो फतह है, अगर वो न बचाते तो आज मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला एक मुसलमान न होता, आज मस्जिदें आबाद न होती, आज लोगों के घरों में कुरान नज़र न आता। इमाम हुसैन ने कुरान का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, और यह बता दिया है कि जब किसी ज़माने में यजीद पैदा होगा तो हुसैनी उसका मुकाबला करेगा, यजीदियत का खात्मा करेगा, हुसैनियत को बाकी रखेगा। जी क्या कुछ कहेंगे कि ये इस तरह जब जुलूस निकलता है तो सिया समुदाय के लोग छाती पीटते हैं या हुसैन का नारा देते हैं, काले कलर का लिबास इख्तियार करते हैं, लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो सुन्नी समुदाय के लोग बहुत सॉफ्ट तरीके से घर में बैठ के इबादत करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो ये अंतर क्यों है, किस लिए ये डिफरेंट है? देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो लोग घर में बैठ के याद हुसैन मनाते हैं वो भी लायक तज़ीम है, लायक तकरीम है, लायक सलाम है, चूँकि कम से कम वो यजीद की याद नहीं कर रहे हैं, हुसैन की याद मना रहे हैं, ठीक है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो मुहर्रम मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी इबादत है, पहले सुबह के वक्त जो है हमारे यहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मुहर्रम की मजलिस की जाती है, फिर जहर की नमाज़ पढ़ी जाती है, पढ़ने के बाद तब जुलूस निकाला जाता है, इसलिए कि नमाज के बग़ैर कोई भी हमारा मज़हब दीन अधूरा है। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ऐसे हालात में भी जब जंग का मैदान था तो उन्होंने पहले नमाज को ज़्यादा फजीलत दी है, कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद जंग होगी, इमाम हुसैन ने पहले नमाज़ पढ़ी है, ये नमाज़ पढ़ी है इमाम हुसैन ने, और लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो भी इमाम हुसैन को याद करते हैं। हम लोग इसलिए सीना को भी करते हैं, इसलिए मातम करते हैं कि चूंकि करबला में इतना जुल्म हुआ है कि आज तक इतिहास में ऐसा जुल्म कहीं हमें नज़र नहीं आया कि तीन दिन के भूखे प्यासे लोग रहे हों, कुछ ना रहा हो, उन्हें शहीद किया गया। हम इसलिए सीना पीटते हैं, इसलिए छाती निकालते हैं, इसलिए खून निकालते हैं, काश अगर करबला में हम भी होते तो जिस तरीके से इमाम हुसैन का साहब और अंसार ने कुर्बानी पेश की, हम भी अपना जज्बा अपनी कुर्बानी को पेश करते, इसलिए ये मातम मनाते हैं, इसलिए सोग मनाते हैं। और नबी आज़म ने भी अपने चचा अमीर हमज़ा के इंतकाल पर रोए हैं, मातम किया है, गिरियोजारी किया है, तो हम उस नवासे रसूल की याद में मातम करते हैं। तो ये जायज़ है, ये जायज़ माना जाता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ अकीदे के हिसाब से, हमारी शरीयत के हिसाब से जायज़ माना जाता है, इसलिए जायज़ माना जाता है। हाँ, जंजीर व कमा उस हालत में हमें मना किया गया है कि अगर आप इतना लगा लें कि आपकी जान जोखिम में जाए तो आपके लिए करना मना है। आपको मातम करना है होश में, हवास में, समझदारी के साथ, इतना ही करना है कि ताकि आपके जिस्म का कोई अज़ा जो है ऐसा ना बन जाए कि कल आपके लिए नुकसानदेह हो, तो ऐसे लोगों को मातम करने से हम लोग रोक देते हैं। जी, यानी कि यहाँ पे होशियारी भी बरती जाती है? बिल्कुल, होशियारी बरती जाती है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे कहीं भी कोई बदनामी का ज़रिया हो। देखिए, अब मुसलमानों में देख लीजिए, मिसाल के तौर पे एक तबका देवबंदी है, एक तबका बरेलवी है, दोनों इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, दोनों हज़रत इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, मगर उनके यहाँ नज़रिया कुछ किया यह है कि फातिहा जायज़ है, कुछ किया गया जायज़ है फातिहा नहीं जायज़ है, ठीक है, किसी का मिलाद जायज़ है, किसी का मिलाद नहीं जायज़ है, तो ये अपने अपने एतबार से अपने अपने अकीदत का मसला है। ये मुहर्रम जो है, ये हम जो मनाते हैं, शिया समुदाय जो मनाते हैं, ये अकीदत की बुनियाद पर मनाते हैं। देखिए, अमल और अकीदा दो चीज़ें इस्लाम में मानी गई हैं। अगर अमल आपका बहुत अच्छा हो, नमाज़ बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, रोज़ा बहुत अच्छा रख रहे हैं, मगर आपका अगर अकीदा सही नहीं है, यानी तौहीद का अकीदा अगर आपके पास नहीं है तो बेकार है, अल्लाह की अदालत का अकीदा आपके पास नहीं है तो बेकार है। इसी तरीके से अकीदे और अमल का चोली दामन का साथ है। यह हमारा अकीदा है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई है तो हम कम से कम अपने को तो इस लायक पेश कर सकें कि काश हम करबला में होते तो हम इमाम हुसैन पर भी जान निछावर करते।
बिल्कुल, करबला में होते तो हम भी वहाँ पे शहीद हो पाते, ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता जी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं इन सभी से हट के बात करूँगी कि जब मुहर्रम आता है नौवीं दसवीं को, जिसमें यम अशुरा भी कहते हैं, जिसे आपने कहा कि नमाज, जोहर की नमाज अदा करके आप सभी लोग जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस निकालना कितना जायज़ है, क्या जो ताज़िया निकलता है वो कितना सही है, या फिर या हुसैन का नारा लगाना कितना सही होता है? सबसे अच्छा सवाल है, लोगों तक आपके मीडिया के माध्यम से लोगों का बहुत सा कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। मसला यह है कि आप ये बताइए कि इमाम हुसैन हमारे और आपके ख़ानदान के किसी आदमी का नाम नहीं है, नबी के नवासे का नाम है, और वो नबी का नवासा कि जब तक नबी करीम इमाम हुसैन को देख नहीं लेते थे तब तक रसूल इस्लाम को सुकून नहीं मिलता था, और उनकी ज़ियारत के लिए अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा के घर जाया करते थे। तो इमाम हुसैन का नाम लेना ये अपने आप में इबादत है, इसलिए कि नबी ने फरमाया है कि हुसैन जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। तो हुसैन की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत का नाम है, इसलिए याद हुसैन मनाना, नारे हुसैनी लगाना, ये बिदअत कहाँ से हो सकता है? कहीं से बिदअत नहीं है, ये तो आपको इमाम हुसैन की वजह से आज कायनात बाकी है, इस्लाम बाकी है। तो ये तो शुक्रिया की बुनियाद पर हम इमाम हुसैन का नाम लगाते हैं, नारा लगाते हैं। कहा जाता है कि सुन्नी समुदाय में इस तरह से नहीं होता है, ये सिया समुदाय में होता है, काले रंग का लिबास भी इख्तियार करते हैं, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बहुत अच्छी बात की। देखिए, काला लिबास जो है कभी कभी एहतजाज होता है। आपने देखा अभी इसी हमारे भारत का पिछले मर्तबा आपने देखा, जब लोगों को संविधान में कुछ अपनी बात को मनवाना हुआ तो हमारे पार्लियामेंट में सारे संसद काला लिबास पहन के गए, कोई और लिबास पहन के नहीं गए, काला लिबास पहन के गए। काला लिबास ये एहतजाज और सोग मनाने का लिबास कहा जाता है, तो इसलिए ये लिबास पहना जाता है ताकर के ये पता ये चले कि ये एहतजाज कर रहे हैं यजीदियत के ख़िलाफ़। ऐसा नहीं है कि काला कपड़ा नहीं पहनेंगे तो मुहर्रम नहीं होगा, काला कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हमारी इबादत नहीं होगी, ऐसा कहीं हमारे क्या कंसेप्ट नहीं है। एक अकीदा है कि ये शोक का पर्व है, शोक में इंसान को जो है लाल पीले अच्छे लिबास नहीं लगते हैं, काला लिबास अच्छा लगता है, तो इसलिए किया जाता। और सबसे बड़ी बात ये बता दूँ आपको कि अल्लाह के घर को भी सबसे प्यारा अगर रंग पसंद है तो काला ही पसंद है, ठीक है? वहाँ पे आप लाल नहीं गुलाब चढ़ाएंगे, पीला नहीं चढ़ाएंगे, तो अल्लाह के घर को जो रंग पसंद है हम वो याद इमाम हुसैन में उसी रंग को पसंद करते हैं। जी, जिस तरह से आपने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा, लेकिन वहीं बात करूंगी मैं आपसे कि मुहर्रम में रोज़े भी रखे जाते हैं, यमी अशूरा को भी रोज़ा होता है, नौवीं दसवीं की रोज़ा होती है, तो ये रोज़े के कितने फ़ायदे हैं और कितना महत्वपूर्ण होता है ये रोज़ा? देखिए, इस्लाम में एक महीने का रोज़ा तो फ़र्ज किया गया है, वो रमज़ान मुबारक का। रमज़ान के बाद जितने भी रोज़े हैं वो मुस्तहब रोज़े हैं। इस्लाम में ये भी कहा गया है कि अगर इंसान हर महीने के पहले हफ्ते में रोज़ा रखता है, दूसरे हफ्ते में रखता है, तीसरे हफ्ते में रखता है, तो गोया वो साल भर रोज़ा रखने वालों में उसका शुमार होता है। जैसे कि हुज़ूर सरवर कायनात की खिदमत में जनाब सलमान ने से फरमाया, सलमान से जब लोगों ने पूछा असहाब का मजमा है, तो सलमान ने कहा मैं साल भर रोज़े रखता हूँ। तो लोगों ने कहा सलमान कैसे आप साल भर रोज़े रखते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये लोग शिकायत लेकर के नबी के पास आए, यार नबी अल्लाह सलमान कहते हैं कि ये तो साल भर रोज़ा रखता है, हमने तो इनको बीच में खाना खाते हुए देखा। तो सलमान ने फरमाया क्या नबी की तुमने गुफ्तगू पर यकीन नहीं किया, नबी ने क्या फरमाया था कि हर महीने पहले हफ्ते में रोज़ा रखो, दूसरे हफ्ते में इब्तदाई दौर में रखो, तीसरे हफ्ते में रखो। तो जो ये तीन हफ्ते में रोज़ा रखेगा इब्तदाई ज़माने में, वो साल भर रोज़ा रखने के उसमें शुमार किया जाएगा। अब है मुहर्रमुल अहराम का महीना, मुहर्रम बहरहाल इबादत का महीना है और रोज़ा एक अहम इबादत का नाम है। इसमें कुरान पढ़ना भी सवाब है, ज़िक्र कुरान करना भी सवाब है, और इमाम हुसैन का जिक्र भी करना सवाब है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसे पंजतन पाक जानते हैं, कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो पंजतन पाक के बगैर ये कहे कि हम मुसलमान हैं, तो पंजतन पाक को याद करना भी एक बहुत बेहतरीन इबादत। अब यह है कि हमारे यहाँ आशूर के दिन रोज़ा न रख करके फाका किया जाता है, यानी सुबह से लेकर असर आशूर तक जो है ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, प्यासे रहते हैं, उसी आलम में हम या हुसैन को याद करते हैं।
हमारे मुसलमान तो इसे रोजा नहीं फाका कहा जाता, आप लोग रोजा मतलब सियासत मुद्दे में रोजे नहीं होते फाका होता है। जी जी, अब मुहर्रम में आप पहली से लेकर के 9 तक आप रोज़ा रख सकते हैं, और लोग रखने वाले रखते भी हैं, 7 को भी रख सकते हैं, 8 को भी रख सकते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ भी रोज़े का हुक्म दिया गया है कि आप मुहर्रम में भी रहें, ता करके देखिए रोज़ा रखने वालों तक ये पैगाम पहुँचे, यानी उनको कम से कम करबला का एहसास होगा कि आज रोज़े आशूर हैं, हम 10 मुहर्रम हैं, हमारे पास पानी है, मगर गर्मी इतनी तपा, मान लीजिए गर्मी बहुत सीज़न है इस वक्त है, 50 का टेम्परेचर जा रहा है, 45 का कहीं जा रहा है, तो अब जो रोज़ा रखेगा तो उसको एहसास होगा बाप रे बाप, एक दिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखे हैं, तो प्यास में ये आलम है, खाना है मगर खा नहीं सकते, पानी है पी नहीं सकते, तो उसको ये एहसास होगा अरे तो करबला वालों ने 3 दिन जो भूख और प्यास बर्दाश्त किए इस आलम में, तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। और यजीदियों द्वारा पानी भी रोक दिया गया था जंगे मैदान में, यजीदियों ने आपने देखा नहीं कि 70,000 की सेना लेके यजीद आया, यहाँ तक के जो वहाँ दरिया थी नहर फुरात जिसे कहा जाता है उस पर सेना लगा दिया कि एक कतरा पानी भी यहाँ से ना पहुँचने पाए। पानी लेने हज़रत अब्बास गए बच्चों को प्यास बुझाने के लिए, चूँ करके उस ख़याम हुसैनी में लतश की सदाएँ बुलंद थी, हाय प्यास बच्चे तड़प रहे थे, यहाँ तक आलम था कि इमाम हुसैन की जो 6 बरस की बच्ची थी वो सूखा कूजा तोता ऐसे लगा रही थी ताकि थोड़ा सा पानी का कतरा हमारे आ जाए, मगर पानी ही नहीं हो तो सूख चुका है, सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो चुकी। इमाम हुसैन ने क्या किया इससे बड़े इंसानियत के सबूत के लिए कि पानी जब इनके पास था तो यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने पानी तलब किया तो इन्होंने अपना सारा पानी दे दिया, यहाँ तक कि उनके घोड़ों को पानी पिला दिया। ठीक है, जब लोगों ने इमाम हुसैन से सवाल किया कि आप आका पानी क्यों दे रहे हैं दुश्मन को, कहा ये उसका ज़मीर है, हमारा ज़मीर यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे रहते हुए जानवर भी प्यासे रहें। तो जिस हुसैन को जानवर की प्यास बर्दाश्त नहीं थी उस हुसैन को यजीदी सेना ने 3 दिन का भूखा पैसा प्यासा मैदान करबला में 72 जाने सालों के साथ शहीद किया, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी था जिसे हज़रत अली असगर कहा जाता है। इन सभी से हटके एक और सवाल करूंगी मैं आपसे, क्या कुछ कहेंगे कि मुहर्रम में अक्सर हमें मछलियां खाना मना होता है, साग खाने मने होते हैं, और भी ऐसी कई चीज़ होता है जो खाना मना होता है, तो क्या ये सब सही है? देखिए ये सब अपने अकीदे की बात है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने अपने कंसेप्ट के हिसाब से लोग अपना अपना अमल करते हैं। शरीयत या मज़हब के उन्वान से, कुरान और हदीस के उन्वान से ये सब चीज़ें मतलब कोई माने नहीं रखती। तो अब जैसे मुहर्रम कहा जाए तो एक तरफ से ये मातम का माहौल होता है ये, और दूसरी तरफ जो सुन्नी होते हैं वो लोग सॉफ्टली तरह से ये लोग मातम मनाते हैं, और कहीं ना कहीं खुशियां भी मनाते हैं कि इसमें कई ऐसे काम जो थे बिगड़े काम वो बनते नज़र आए थे इसमें। देखिए ये बात तो तय है कि जो पिछली तारीखें हैं वो कुछ तारीखें, जैसे हज़रत आदम का दुनिया में आना, जनाब नूह की कश्ती को जो है निजात मिलना, पार लगना, ये सारी चीज़ें हैं। मगर चूंकि जब इंसान के घर में मिसाल के तौर पे ऐसे सुन लें, मिसाल के तौर पे आज हमारे घर में बेटा पैदा हुआ था, तो ये तारीख़ हमारे लिए बड़ी खुशी की थी कि बेटा पैदा हुआ। और उस तारीख के बाद मान लीजिए उसी तारीख में हमारा बाप मर जाए, हमारा भाई मर जाए, हम कोई हादसा हो जाए, 2-4-5 लोग मर जाए, तो अब ये बताइए जो हम तारीख को यहाँ पे खुशी मना रहे थे क्या अगले साल वो खुशी मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। अब हमको वो गम याद रहेगा, कौन सा? जो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा और सानहा हुआ। तो अब ये बताइए कि इमाम हुसैन वारिस अम्बिया कहा जाता, वारिस अम्बिया इमाम हुसैन को वारिस अम्बिया कहा गया है, तो वारिस अम्बिया की शहादत है तो क्या उनके जो आका हैं वो इस गम में शरीक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो लिहाजा मुसलमानों को अब 10 मुहर्रम सन 61 के बाद, सन 61 से पहले वालों ने खुशी मनाई उनके लिए बिल्कुल दुरुस्त था और जायज़ था, सन 61 के बाद अब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि इमाम हुसैन की याद मनाएं और इमाम हुसैन का गम मनाएं, शोक मनाएं। आपके मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए कि अक्सर मुसलमान जो है इस मौके पर कहते हैं नया साल आया आपको मुबारक हो, अक्सर चर्चाएँ होती हैं, कहा जाता मुबारक। आप ये बताइए, देखिए इस्लाम जो है सिर्फ किताब भी मज़हब नहीं है, इस्लाम तहकीक है, इस्लाम यकीन है, इस्लाम जस्तजू है, इस्लाम रिसर्च है, और इस्लाम अकीदे और अमल जो अक्ल आपकी कबूल करती हो उस पर है।
तो अब आप बताइए, कोई भी ऐसा घर हमको आप ज़माने में ला कर के दिखा दीजिए कि जिसके घर में कोई बहुत बड़ा सानहा हो गया हो और उस दिन आप जाके उसके घर में मुबारकबाद पेश करें। मान लिया अभी आप देख लीजिए, मान लिया ईद ही का दिन है, ईद सबसे मुबारक है, ये तो अल्लाह की दी हुई नेमत है, तोहफा है, मगर उस दिन अगर हमारे घर में कोई हादसा हो जाए, दो चार लोग मर जाएं, तो आप बताइए, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे घर अगर आएंगी पुरसे के लिए, तो आप आके कहेंगी पहले ईद मुबारक हो? आपकी ज़ुबान ख़ुद रुक जाएगी, इसलिए रुक जाएगी कि अभी हम ईद की बधाई इनको नहीं देंगे, मुबारकबाद नहीं देंगे, क्यों? कि इनके घर में इतना बड़ा सानहा हो गया। तो अब 1961 में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के साथ जो हुआ है, और वो भी ख़ानदान रसालत के साथ 72 लोगों को आपने देखा कि ज़िबा कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तो अब तो बहरहाल उसी को ना याद किया जाएगा कि खुशी मनाई जाएगी। तहज़ुबुल जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। मुहर्रम के वक्त आजकल के नौजवान सड़कों पर जब निकलते हैं तो ढोल ताशों के साथ निकलते हैं, चूँकि आपने कहा कि ये मातम भरा माहौल होता है, तो जब वो ढोल ताशों के साथ निकलते हैं, बाजे गाजे के साथ निकलते हैं, आजकल डिस्को लाइट का ज़माना हो गया है, उस वक्त निकलते हैं जो शहर के नौजवान और इस तरह से जुलूस निकालते हैं, तो ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? क्या कुछ हिदायत देना चाहेंगे आज के नौजवान युवाओं को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन नौजवानों की सही तबलीग या नौजवानों को सही इस्लाम की तारीख हम लोगों ने नहीं बताई है। यानी हम लोगों से मुराद ये है कि जो लोग मिंबर रसूल पे खुतबा बैठते हैं, खतीब बैठते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां हैं कि इन चीज़ों से लोगों को रोशनास कराएं। सारे नौजवान आजकल किताब तो पढ़ते नहीं, आप तो जानते ही हैं, डिस्को का ज़माना है, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, उसी में बच्चे महो, आप तो फिर अपनी किताब नहीं पढ़ते, ज़्यादातर मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। तो अब इमाम हुसैन के नाम पे ढोल ताशा बजाना, और उसके बाद आपने देखना कि 10 मुहर्रम शराब पी करके जुलूस में उन लोगों का आना, अब देखा होगा, कोई मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये कहना कि हम मुसलमान हैं, हम इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं, मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ कि कोई शराबी इमाम हुसैन की याद नहीं मना सकता। इसलिए नहीं मना सकता कि इमाम हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि नजासत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये नजिस लोग इस सफ़ में कैसे आ गए? तो मुहर्रम कमेटी की ज़िम्मेदारियां हैं कि शराब पीने वाले नशाखोरों को मुहर्रम से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, इन्हीं लोगों की वजह से अपद्रव भी बढ़ता है, इन्हीं के लोगों से जो है शहर का माहौल ख़राब होता है, ऐसे लोगों से बचाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये जो ढोल ताशे बजाए जाते थे, तो अब मैं ज़्यादा बहुत बात कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी सेना में नक्कारे बजाए गए थे, यानी ढोल ताशे बाजे बजाए गए थे, क्यों? खुशी में कि इमाम हुसैन को हमने कत्ल कर दिया, ठीक है। तो ये रवाज बदलने की ज़रूरत है, इस पर हमको संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि हम शिया मौलवी कह रहा, नहीं, इस्लाम ये कह रहा है। जो वो मैं कंट्रोवर्सी की बात करने का आदि ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुसलमान ही नहीं, देश का जितना भी इंसानियत पसंद है, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबको सोचना चाहिए अपने अपने त्योहारों को पवित्र त्यौहार बना करके, पवित्र जुलूस बना करके रोड पर आना चाहिए। अगर आदिवासी भी आता है तो उसे भी सोचना चाहिए कि उसका ईश्वर जो है, उसका भगवान जो है, वो बुराई से नहीं खुश होता, अच्छाई से खुश होता, हमको अच्छा संदेश देना चाहिए। हमारा 1446 का मुहर्रम पर मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से इंडिया लाइफ इंडिया को मुबारकबाद देने के साथ साथ इस बात का पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ हम सब मिल करके इमाम हुसैन की याद मनाएं, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। और शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, इंसानियत हुसैन है, ये दौर है यजीद, फिर एक करबला से गुजरने का वक्त है। अगर हम वाकई करबला को समझ लेंगे तो हमारी हिदायत हो जाएगी, करबला को समझ लेंगे तो मुल्क में अमन व अमान हर तरफ रहेगा। इसलिए जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना, यही सबसे बड़ी इबादत कहलाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहज़ुबुल जी, आपने पूरे विस्तार में हमें मुहर्रम के बारे में बताया और काफ़ी ऐसी जानकारियां भी हमारे साथ साझा की। शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप आई, इसके लिए मैं आपकी तरह आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
ये हमारे साथ मौलाना तहजीबुल थे जो कि सिया समुदाय से थे जी। इन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को हमारे साथ साझा किया और साफ तौर पे ये उन्होंने ये भी कहा कि सिया समुदाय में मातम का माहौल होता है और इमाम हुसैन को याद करके मुहर्रम मनाते हैं। जहर की नमाज के बाद इन लोगों का जुलूस निकलता है जहाँ पर ये लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं और इनका कहना है कि अगर करबला में अगर हम होते तो हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता कि हम वहाँ पे शहीद होते। इस तरह की भी बातें इन्होंने बहुत ही बेबाकी से रखी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा रांची से।